हम घंटों बिताते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप्स के सामने और इससे हमारे नेक या शोल्डर पर बहुत स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से रिपीटेटिव मूवमेंट्स आपको टायर्ड और स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं। आजकल हमारा सारा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है और हर कोई घंटे और कभी कभी दिन भर भी काम करते हैं और फिर तब कोई भी मूवमेंट्स करेंगे तो हमें पेन और स्टिफनेस महसूस होती है। और इसीलिए आज हम कुछ सिंपल और इजी योगा आसन बताएंगे जिससे आप नेक और शोल्डर पेन से आसानी से रिलीफ पा सकते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। सुखासन, इजी पोज। कोई भी आसन शुरू करने से पहले सुखासन में बैठना चाहिए। आपके लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को भी स्ट्रेट रखिए और लंबी लंबी सांस अंदर बाहर लीजिए। कोई भी परेशानी के बारे में मत सोचिए और अपना माइंड एकदम क्लियर रखिए। 12 बार सांस अंदर बाहर लीजिए। सुखासन परिवृत्ति, इजी सीटेड ट्विस्ट। इस आसन में सुखासन आसन में ही बैठना है और फिर आपके राइट आर्म को आपके लेफ्ट नी पर रखें। याद रखें कि आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और अब आपका फेस भी स्ट्रेट रखिए, यानी कि आपके फोल्डेड लेग्स के डायरेक्शन में रखें। अब सांस अंदर बाहर ले। अब सेम दूसरे साइड पर भी करें और ऐसा 8 बार सांस अंदर बाहर करें। वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। इस आसन में आपको अपने घुटनों पर खड़े होना है और आपके हाथों को छोड़कर नमस्कार वाला पोज लेना है। अभी आपको नीचे बेंड करना है और जब आप नीचे बेंड करेंगे अपने हाथों को अपने पीछे रखना है। ऐसा आपको 6 से 8 बार करना है। पश्चिम मोतासना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। अपने लेग्स और स्पाइन कॉर्ड को स्ट्रेट करके बैठे, हाथों को थाइस पर रखें। अब अपने ऊपर वाले बॉडी को बेंड करें और टो या हील्स को हाथों से टच करें। ऐसा करते समय सांस को अंदर बाहर छोड़ें और जब आप वापस ऊपर आते रहेंगे तब सांस अंदर लें और ऐसा 4 बार करें। द्विपदा पीठम, टू फुटेड पोज। आपके पीठ के बल लेट जाए, अपने हथेलियों को जमीन की तरफ रखें और अब घुटनों को बेंड कर ले। अब सांस अंदर लेते वक्त अपने लेग्स को जमीन पर दबाते हुए अपने पेल्विस को ऊपर उठाए और याद रखें कि आपके चिन को नहीं उठाना है। सांस बाहर छोड़ते वक्त स्टार्टिंग वाले पोजिशन में आ जाइए और ऐसा 6 बार करें। अपासना, नीज टू चेस्ट पोज। अपने पीठ के बल ही लेटे रहिए, अपने घुटनों को ऊपर ले और दोनों हाथों को एक एक घुटनों पर रखें। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो घुटनों को ऊपर ले चेस्ट के तरफ और जब आप सांस को अंदर लेते हैं तब वापस आप स्टार्टिंग पोजीशन में चले जाइए और ऐसा 8 बार करें। सेवासना, कॉर्प्स पोज। लास्ट आसन है सेवासना। इसमें आपको अपने हाथों और लेग्स को रिलैक्सिंग पोजीशन में रखना है। अपने माइंड को क्लियर करके इस पोजीशन में 3 से 5 मिनट तक रहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान पोज जो अगर आपने रोज किया तो आपको नेक एंड शोल्डर पेन से बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और हाँ, ऐसे योगा आसन से जुड़े आपके पास और कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।